चैप्टर वन डेवलपमेंट. अब ध्यान से सुनिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. सो डिफरेंट पीपल कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन. इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कई बार एक बंदे के डेवलपमेंट गोल से दूसरे के डेवलपमेंट गोल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिनसे पूरे नेशन के डेवलपमेंट गोल पर इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज इनकम एंड अदर गोल्स. पीपल वांट मोर इनकम मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद. इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड. हाउएवर द क्वालिटी of our life also depend on non-material things such as equal treatment, freedom, security and respect for others. For development, people took at a mix of goal. The development goals are not only about better income but also about other important things in life. नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन ऑफ आवर कंट्री डेवलपमेंट. नेशनल डेवलपमेंट को कल मैंने आपको वैसे भी बताया था, जैसे कि आपकी जीडीपी है, आपकी इकोनॉमी है, आपका हेल्थ स्टेटस है, एजुकेशन है, पर कैपिटल इनकम है, ये सारी चीजें काउंट की जाती हैं किसी भी नेशन के डेवलपमेंट. हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये भी आपको बताया था कि हाउ टू वर्ल्ड बैंक कंपेयर द कंट्रीज. इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या है, पर कैपिटल इनकम. पर कैपिटल इनकम को क्या कहते हैं और उसको अनदर नेम है एवरेज इनकम. सो एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द इट्स टोटल पॉपुलेशन. इट इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम, ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो व्हाट क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर कैपिटल इनकम इज यूज्ड इन क्लासिफाइड कंट्रीज. कंट्रीज विद पर कैपिटल इनकम ऑफ $12,556 पर एनम अबव इन 2017 और कॉल्ड रिच कंट्री. कंट्री विद पर कैपिटल इनकम और $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री. इंडिया इज इंक्लूडिंग इन लो मिडिल इनकम कंट्री. आपको पिछली क्लास में बताया था ना लो मिडिल इनकम कंट्री. तो आगे आपका आता है पब्लिक फैसिलिटीज. देयर आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और इट्स सिटीजंस. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, sanitation, public transport, healthcare, water, etc. Sustainability of development. Sustainability is defined as development that meets and needs for personal without compromising the ability of future generation. Scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. Some of examples are overuse of groundwater, extension of the natural resources. Sustainable development में मैंने आपको कहा था कि when we use the natural resources without any harm of nature and save for the future generation, this system is called the sustainable development. So sustainable development के अंदर हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए? एक तो ओवर यूज नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी रिसोर्स है, चाहे वो वाटर है, ऑयल है, गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अगर हम इनको ओवर यूज करना बंद कर दें, जितनी लिमिट है उतना ही यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके चलें, तो उसका हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. इसके अंदर वर्ल्ड बैंक के अंदर पर कैपिटल इनकम क्राइटेरिया है, यूएनडीपी के अंदर आपका पर कैपिटल इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन मेन क्राइटेरिया. और इसमें हर एक की आपको डिफाइन भी मैंने आपको दी है, डेवलपमेंट की डिफाइन भी दी है, पर कैपिटल की भी दी है, नेशनल इनकम की भी दी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ठीक है ना, इसकी भी आपको डिफाइन दी है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम HDI कहते हैं, HDR, इसको पब्लिश करता है UNDP और UNDP
उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट पब्लिश करता है HDR, और उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो कि हर कंट्री को एक रैंक प्रोवाइड कराई जाती है कि आप किस रैंक पर हैं अकॉर्डिंग टू पर कैपिटल इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये आर द थ्री पॉइंट्स। इसके बाद इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर, प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इसके बाद आपका लिटरेसी रेट, जिसके अंदर 7 साल और उससे ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर। अभी जो 6 to 10 है ये 10 to 14 हो गया बेटा, 14-15 ईयर, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफाइन भी मैंने आपको बता दी है, BMI, दैट्स कॉल्ड द बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर इसका फॉर्मूला जो है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। इसके अंदर वेट जो होगा वो केजी में होगा और हाइट जो होगी वो मीटर में होगी। इसके अंदर अगर आपका BMI 18.5 से लेस निकलता है तो आप अंडर वेट हैं, इसको BMI मोर देन 25 आता है तो आप ओवर वेट हैं, और आप 18.5 से लेकर 25 के बीच के अंदर आपके अंदर BMI आता है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी जो हाइट वेट है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसके अंदर आप सीधा सा आंसर लिखोगे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। सेकेंड इज व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। नेक्स्ट, इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट बट अलॉन्ग विद इनकम पीपल ऑल्सो सीक द इक्वल ट्रीटमेंट, गुड हेल्थ, पीस, illiteracy, etc. Next, for the development, people look at a mixed goal. So they are the 4 characteristics of the development. Next, आपका जो question आता है वो आता है what contribute to the human development? There are many economic as well as non-economic factors which contribute to the human development. Number 1, living a long and healthy life. 2, have education, information and knowledge. Enjoying a decent standard of living. Enjoying basic fundamental rights like freedom, security, education. 2, have equality and enjoyment of human life. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल, इसके अंदर वही लिखोगे आप पूरा। इसके बाद वही क्वेश्चन सेम जो मैंने आपको हाईलाइट कराया था, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल, जिसके अंदर मनी इन हायर पर कैपिटल इनकम कैन नॉट बाय ऑल द पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और गुड हेल्थ। Money cannot buy peace and democracy. Per capita income of Maharashtra is higher than Kerala. ये example आप दे सकते हो इसके अंदर. Lag behind the education and health facilities. Kerala out of 1000 children. इसमें इसने जो ये example दिए हैं ये तो आप चल कर ही सकते हो, साथ साथ इसमें आप जो book के अंदर आपको example दिए हुए हैं आप उसको properly इस answer के अंदर mention करेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका आता है what is national development, what are the aspects covered under the national development. So iske andar national development refer to the ability of a nation government decide that be a fair and just for all. Under national development only those program and policies are implemented which would benefit large number of people. Under national development, it is very important to decide about the conflict and their solution. Under national development, we have to think whether there is a better way of doing things.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट? द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बी इन टैंडम विद द फ्यूचर. If natural resources are not sustained, then development will stand after a point of time. Exploiting resources unthinkingly will, ultimately undo the development and the country may be achieved. This is because the future those resources will not be able for the further progress. इसी तरीके के आपके 5 marks के question भी हैं इसके अंदर. What is average income or per capita income? इसके अंदर per capita income के define लिख देंगे. Total income of the country divided by the total population of the country. इसमें साथ में एक question और जोड़ दिया, why do we use the average? क्योंकि देखो बेटा, एक चीज मैं simply आपको बता दूं कि जब तक हम किसी भी चीज की एक ratio नहीं लेते हैं तब तक हम उसका answer नहीं निकाल सकते. जैसे mathematics के अंदर अगर आपको x या y की ratio नहीं दी हुई है तो आपको suppose करके चलनी पड़ती है, मान के चलनी पड़ती है, इसलिए हम average का use करते हैं. So the average income is total income of the country divided by the total population. We use average because they are useful for comparing different quantities of the same category. For example, a compound of the per capita income of country averages have to be used because there are different in the income of diverse people. Its main limitations are. अब इसमें लिमिटेशंस भी पूछी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है. राइज इन पर कैपिटल इनकम ड्यू टू राइज इन द प्राइस एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द फिजिकल आउटपुट. नेशनल इनकम राइज बिल्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन मेक द रिच रिचर एंड द पुअर पुअर. इट एक्सक्लूड एंड नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज इवन दो दे मे बी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन हैप्पीनेस एंड बेटर quality of life. It cover only the economic aspects, ignore peace, health, environment, education and longevity etc. Next question is, who published human development report and what are the criteria used by the preparer of this report? So UNDP published the report. ठीक है, United Nation public United Nation Development Program published annual human development report every year. मेजर पैरामीटर्स सच एज लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, लेवल ऑफ लिटरेसी, पर कैपिटल इनकम आर यूज्ड, मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ डिनोट एवरेज एक्सपेक्ट लेंथ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. यानी कि जिंदा रहने से लेके मरने तक की एक एज फिक्स की जाती है कि लगभग लगभग लोग इतने साल तक जिंदा रहते ही रहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. पर कैपिटल इनकम calculate in dollar for all countries so that it can be compared, and also because every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. World countries are ranked according in very high developed countries, high developed countries, medium developed countries and low developed countries. So beta, is tarike se aapke chapter ke question answers hain, lekin aapke jo NCERT ke question answers hain आप उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनको सबको करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है. एनसीईआरटी को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं. इसके बाद